हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू वॉच द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज इन ऑर्डर। और दो वीडियो गेम्स भी है जो स्टोरी बेस्ड है, उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उनकी कहानी ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की फिल्मों को कनेक्ट करने का काम करती है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि इसी तरह की जब मैं किसी फिल्मों के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के एंड में एक लाइक जरूर करना। टोटल इस सीरीज में 6 फिल्में हैं और 2 वीडियो गेम्स हैं। तो इसमें की जो 6 फिल्में हैं, टोटल 37 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले हैं और उसमें से 17 ऑस्कर इन सीरीज ने जीते हैं। ये जो फिल्म की सीरीज है वो J.R.R. टोल्किन नाम के नॉवेलिस्ट है, उनकी नॉवेल्स के ऊपर आधारित है। और इन 6 की 6 फिल्मों को डायरेक्ट किया है पीटर जैक्सन ने, जिनको एक फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो वो कौन सी फिल्म के लिए मिला है और इसमें की एक फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ अवार्ड जीते हैं, वो कौन सा रिकॉर्ड है और कितने अवार्ड जीते, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और अभी आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये फिल्में बन के जमाना गुजर चुका है और अभी मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। अभी हाल ही में यूट्यूब पे आपने एक ट्रेलर देखा होगा, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिंग्स ऑफ पावर। ये एक सीरीज आ रही है अमेजोन प्राइम पे सितंबर को। तो वो सीरीज देखने से पहले ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया क्या है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप समझोगे तो वो सीरीज समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, वरना डायरेक्टली आप सीरीज देखने जाओगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इस फिल्म की सीरीज की सबसे पहली फिल्म आपको देखनी है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी। तो ये कहानी एक बोने की है जिसका नाम रहता है बिल्बो बैगिंस, जिसका किरदार निभाया है एक्टर मार्टिन फ्रीमैन ने। और उस कैरेक्टर को गैंडाल्फ नाम का जो एक जादूगर रहता है वो कन्विंस करता है कि तुम्हें हमारे साथ एक सफर पे चलना पड़ेगा, क्योंकि बौने लोग जो होते हैं वो नक्शे को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। और फिर वहां पे बिल्बो बैगिंस इनके साथ एक सफर पे निकल पड़ता है और वहां पे उसका इंट्रोडक्शन होता है एक रिंग के साथ। उसी के साथ साथ एक गोलम नाम का कैरेक्टर रहता है, उसके साथ भी बिल्बो बैगिंस का इंट्रोडक्शन होता है। हालांकि ये कैरेक्टर आपको इतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस पूरी सीरीज का ये बहुत अहम कैरेक्टर है। और इस फिल्म को टोटल 3 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन एक भी ऑस्कर ये फिल्म उस वक्त जीत नहीं पाई थी। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको देखनी है द हॉबिट द डिसोलेशन ऑफ स्मॉग। अभी हालांकि जो फर्स्ट पार्ट में इनकी जर्नी शुरू हुई थी वही जर्नी कंटिन्यू रहती है सेकेंड पार्ट में भी। उसमें क्या क्या नए बदलाव आते हैं, वो रिंग मिलने के बाद बिल्बो बैगिंस क्या क्या अलग चीजें करता है, और एक ड्रैगन स्मॉग रहता है उसके साथ जाके इनकी पूरी जो फौज रहती है 14 लोगों की कि 13 लोगों की वो जाके भिड़ती है, और उसका क्या नतीजा निकलता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म को भी 3 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन एक भी ऑस्कर इस फिल्म को उस वक्त नहीं मिल पाया था। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको देखनी है द हॉबिट द बैटल ऑफ द 5 आर्मीज। तो हालांकि ये जो हॉबिट की सीरीज शुरू हुई थी इसका अंत इस लास्ट फिल्म में होता है। यहाँ पे एक फाइनल बैटल होता है 5 आर्मीज के बीच में, और ये देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस सीरीज की सबसे एक्शन पैक्ड फिल्म ये थी। हालांकि क्रिटिक्स को थोड़ी कम पसंद आई थी, लेकिन जो एक्शन फैंस है उनके लिए ये फिल्म एक ट्रीट रहने वाली है। इस फिल्म को भी बेस्ट साउंड एडिटिंग कैटेगरी में एक ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था, लेकिन वो अवार्ड भी ये फिल्म उस वक्त जीत नहीं पाई थी। इसके बाद 4th नंबर पे एक्चुअली एक गेम बना हुआ है, मिडल अर्थ शैडो ऑफ मॉर्डर। अभी ये जो लोग गेम खेलना पसंद करते हैं, जिनको स्टोरी बेस्ड गेम पसंद है, मैं जो फ्री फायर और सिर्फ पबजी खेलते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कॉन्सोल और पीसी गेम्स खेलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो स्टोरी मोड गेम्स खेलते हैं उनको कनेक्टिविटी अगर रखनी है तो मिडिल अर्थ शैडो ऑफ मॉर्डर खेलना है। ये एक टैलियन नाम का कैप्टन रहता है गोंडोर का, उसकी कहानी है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो द हॉबिट के बाद वाला है, और इसमें हमको गोलम जो कैरेक्टर पूरी फिल्म में हॉबिट के देखने को मिला था उसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने मिलेगा। मतलब आप पूरी फिल्म और गेम्स में देखोगे तो बाकी कोई कैरेक्टर है या नहीं है, लेकिन गोलम हर फिल्म और गेम में एग्जिस्ट करता है। अभी मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पीसी गेम्स या कंसोल गेम्स खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इंटरेस्ट है लेकिन उनके पास पीसी या कंसोल होने की वजह से वो शैडो ऑफ मॉर्डर और आगे जो मैं गेम के बारे में बताने वाला हूँ शैडो ऑफ वॉर वो नहीं खेल पाएंगे। तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताना चाहूंगा।
आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ इतना सर्च कीजिए शेडो ऑफ वॉर, उस गेम के जो कटसीन्स है यानी जो उस गेम की जो स्टोरी है उसकी एक फिल्म बना के यूट्यूब पे अपलोड की हुई है दोनों भी गेम्स की, तो वो मूवीज के तौर पे कुछ देख लोगे तो आपको पूरी कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी और आपको पूरा गेम खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपको खेलना है गेम मिडल अर्थ शेडो ऑफ वॉर। इसमें टैलियन की कहानी जहाँ फर्स्ट गेम में खत्म हो गई थी वही यहाँ पे कंटिन्यू होती है और इसका जो एंडिंग है वो एग्जैक्टली हमें कनेक्ट करता है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से। अब वो कैसे है क्या है मैं आपको बताऊंगा तो आपको गेम खेलते वक्त उतना मजा स्टोरी का नहीं आएगा। इसके बाद सिक्स नंबर पे आपको देखनी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग। 2001 में ये सबसे पहली फिल्म आई थी और जिस वजह से लोगों का ध्यान इस फिल्म की तरफ खींचा गया, इस सीरीज की तरफ खींचा गया, इस फिल्म को द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म एवर मेड का खिताब मिला है और उस साल इस फिल्म को टोटल 13 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, उसमें से 4 ऑस्कर इस फिल्म ने उस वक्त जीते थे। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट मेकअप, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स जैसे बेहतरीन अवार्ड्स इस फिल्म को मिले थे। और इस फिल्म के विजुअल्स आप देखोगे तो 2001 की आप ये फिल्म देख रहे हो ऐसा आपको एक पल के लिए नहीं लगेगा। मतलब आप 2021 की 22 की कोई फिल्म देखोगे और ये 2001 की देखोगे और आप इनके जब विजुअल इफेक्ट्स कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि आप 20 21 साल पुरानी कोई फिल्म देख रहे हो। इस फिल्म में जो बिल्बो बैगिंस था उसके पोते की कहानी शुरू हो जाती है और यहाँ पे जो रिंग रहती है जो बिल्बो बैगिंस हॉबिट के पार्ट में अपने घर वापस लेके आता है वो रिंग के वजह से पूरी मिडिल अर्थ पे खतरा मंडरा रहा है और उसका अंदेशा जादूगर गैंडाल्फ को हो जाता है और उनको पता है कि ये खतरा तभी खत्म हो सकता है जब हम इस रिंग को मिटा देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट ये रहता है कि ये रिंग जो है इसको नॉर्मली आप खत्म नहीं कर सकते, जिस आग में ये रिंग बनी थी उसी आग में इस रिंग को जब डालेंगे तभी ये रिंग खत्म होगी और ये रिंग की जो पावर है वो खत्म होगी। इसके बाद सेवेंथ नंबर पे आपको देखनी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टॉवर्स। फ्रोडो जो इस कहानी का मुख्य किरदार है उसको इस रिंग को खत्म करने वाला लेके जाना है, उसकी जर्नी जो फर्स्ट पार्ट में शुरू हुई थी उस जर्नी का कंटिन्यूएशन आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा और भी कई सारे नए कैरेक्टर्स इसमें ऐड होते हैं। और जैसे फर्स्ट फिल्म की बात है वैसे इस फिल्म में भी आपको बहुत बढ़िया विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और इस फिल्म में स्पेशली जो गोलम का कैरेक्टर निभाने वाला एक्टर है इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी। इस फिल्म ने भी टोटल 6 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे और 2 ऑस्कर इस फिल्म ने जीते थे बेस्ट साउंड एडिटिंग और फिर से बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड इसने जीता था। इसके बाद 8वें नंबर पे आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग, जो इस सीरीज की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। इसको भी द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म एवर मेड का खिताब मिला था। अभी इस फिल्म ने क्या रिकॉर्ड सेट किया था और कितने ऑस्कर जीते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस फिल्म ने टोटल 11 अवार्ड जीते थे लेकिन मजे की बात क्या है पता है, इस फिल्म को उस साल 11 नॉमिनेशन मिले थे। यानी ये एकमात्र ऐसी फिल्म इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जिसको जिस कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला उस हर कैटेगरी में अवार्ड भी मिला है और वो भी 2-4 अवार्ड्स की बात नहीं कर रहे, टोटल 11 अवार्ड्स है। मैं वो कौन से अवार्ड्स है वो भी आपको बता देता हूँ। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट मेकअप, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। तो समझ सकते हो गाइज इस फिल्म की अचीवमेंट कितनी बड़ी है। लेकिन ये फिल्म आप डायरेक्टली मत देखने जाना, पूरी सीरीज के साथ साथ आप ये देखोगे तो एंड की फिल्म देखते वक्त आप फुल्ली एंजॉय करोगे और ये फिल्म में देखने के बाद जब ये नई सीरीज आ रही है द रिंग्स ऑफ पावर उसको भी आप एंजॉय कर पाओगे। अगर वाकई में ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करके ऑल पे क्लिक करना ताकि इसी तरह के जब मैं कोई भी नई वीडियोस बनाऊंगा तो उसको अपडेट आपको मिल जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।